नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, एनम जेएनएम भर्ती 2018 को लेकर जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा लगातार 2 दिन से सुनवाई कर रहे हैं। कल भी यहाँ पे सुनवाई हुई थी कोर्ट नंबर 9 में, और आज भी दोस्तों एनम और जेएनएम भर्ती 2018 के केसेस को लेकर कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई होगी सप्लीमेंट्री केसेस के रूप में। आज इन केसेस की सुनवाई होनी है वो फिजिकल हैंडीकैप के केस। इसके अलावा सुभाष चंद्र रोत नाम जो राजस्थान सरकार का जो केस है जीएनएम भर्ती को लेकर, उसको लेकर यहाँ पे आज सुनवाई होगी। कल दोस्तों मैं बता दूं, आरएनसी, दिव्यांग, अदर स्टेट, इसके अलावा जो डाइवोर्स केसेस हैं उनको लेकर सुनवाई हुई और वो केसेज यहाँ पे खारिज हो गए। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, आज दिव्यांगों के केस और सुभाष चंद्र रोत बनाम राजस्थान सरकार का जो केस है उस पर आज सुनवाई होगी। यहाँ दोस्तों 12,000 नर्स भर्तियों पर फंसा मामला, अनियमितताओं पर बहस जारी। यहाँ दोस्तों क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, 12,000 नर्स भर्तियों का पर फंसा मामला, हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं पर बहस जारी। यहाँ दोस्तों 5 मार्च की ये खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट में एनम और जीएनएम भर्ती 2018 में हुई कई अनियमितताओं के संबंध में दर्ज हुए मामलों पर सुनवाई हुई। इस मामले में करीब जीएनएम के लगभग 6500 पद और एएनएम के लगभग 5500 पदों पर भर्तियां होनी है। बहस के दौरान कई याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया गया कि मेडिकल बोर्ड ने गलत तरह से निःशक्त घोषित किया, जबकि भर्ती के लिए परीक्षा में मेरिट लिस्ट से चुने गए थे। गौरतलब है कि तथ्यों के अनुसार मेडिकल बोर्ड ने कई उम्मीदवारों को 40% से अधिक निःशक्त घोषित किया और कहा कि वह एएनएम और जीएनएम की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे। बहस के दौरान सरकार की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता, जिसमें एजी महेंद्र सिंह भी, डबल एजी विभूति भूषण जी शर्मा, इसके अलावा कई अधिवक्ताओं ने मेडिकल बोर्ड ने यह जांच इसलिए की कि यह देख पाए कि क्या सभी उम्मीदवार वर्णित कार्य को पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसी नर्स से बच्चों की डिलीवरी कराने में मदद लेगा जो कानों से सही सुन नहीं सकती, जिस पर कई याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने एकजुट होकर कहा कि यह सत्य नहीं है। एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनका एक पैर नहीं है, परंतु उनके द्वारा जयपुरिया कॉलेज में स्वतंत्र मेडिकल जांच करवाई गई, जिसके अनुसार वह 40% से कम निःशक्त पाए गए थे, जबकि मेडिकल बोर्ड ने उन्हें 40% से ज्यादा निःशक्त बताया। उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल बोर्ड ने अपने आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ताओं के दोनों पैर नहीं है, जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि वे सभी उम्मीदवार जो 40% से कम निःशक्त हैं, अदालत उनके मामले पर कल सुनवाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, 40% से कम जो हैंडीकैप है, जो दिव्यांग है, उनके मामलों पर आज सुनवाई होगी एसपी शर्मा की अदालत में। सुबह जो सुनवाई है वो 10:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक, और 2 से 4:30 बजे तक ये सुनवाई होगी। पल पल की अपडेट आपके राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे दी जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, महाधिवक्ताओं ने कहा कि अगर राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया में गलती हुई है तो इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए तत्पर है। वहीं एएनएम और जीएनएम भर्ती 2018 में अनियमितताओं के एक दूसरे मामले में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में भर्तियों के लिए की गई तय कुल पदों की संख्या गलत तरीके से कम की गई थी, जिससे कई उम्मीदवार जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया था वह नियुक्ति पाने से वंचित रह गए। परंतु 2018 में राज्य सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया में सीटें बढ़ा दी और नए उम्मीदवारों को नियुक्तियां ले ली, जबकि 2013 में चयनित उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया। इन दोनों मामलों पर दोस्तों आज यहाँ पे बहस होगी जस्टिस संजीव प्रकाश जी की अदालत में, और यहाँ पे आज फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें मैं बता दूं 2013 की जो भर्तियों का केस है वो सुभाष चंद्र रोत बनाम राजस्थान सरकार का है, जिसमें जीएनएम भर्ती को लेकर स्टे लगा हुआ है। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के केसेस मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए दोस्तों, कौन कौन से केसेस पे यहाँ पे सुनवाई होने जा रही है। आज जो महत्वपूर्ण केस है जिन पे एएनएम और जीएनएम भर्ती का पेज फंसा हुआ है, जिन पे सुनवाई होनी है, वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के और सुभाष चंद्र रोत बनाम राजस्थान सरकार का यहाँ पे केस है। दोस्तों इसमें यहाँ भी कहा गया कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मेडिकल बोर्ड ने गलत तरीके से निःशक्त घोषित कर दिया, जबकि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया।
अदालत कल आज इन याचिकाकर्ताओं के मामले पर सुनवाई जारी रखेगी, जिन्होंने जयपुर अस्पताल में स्वतंत्र मेडिकल जांच के बाद 40% से कम निष्क्रियता पाई गई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके सबसे बड़े यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कल भी मैं बता दूं यहाँ पे कोर्ट नंबर 9 में डेली केसेस और सप्लीमेंट्री केसेस के लगभग 150 केसेस पे यहाँ पे सुनवाई हुई, जिसमें लगभग केसेस यहाँ पे खारिज कर दिए, जिसमें अदर स्टेट के अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका बोनस का मामला हो वो भी यहाँ पे खारिज कर दिया। इसके अलावा अन्य मामले भी यहाँ पे खारिज कर दिए। लेकिन जो आज एएनएम और जीएनएम भर्ती को लेकर जो सुनवाई है वो सुभाष चंद्र रोध बनाम राजस्थान सरकार, इसके अलावा एक जो केस है दिव्यांग अभ्यर्थियों का, जिनको 40% से अधिक निःशक्त मानते हुए भर्ती से बाहर कर दिया, जिन पे आज सुनवाई होनी होगी। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है उन्होंने जयपुर अस्पताल से स्वतंत्र जांच करवाई, जिसमें उन्होंने उनको 40% से कम दिव्यांग घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आज इन दोनों मामलों में जिसमें फिजिकल हैंडीकैप का केस और सुभाष चंद्र रोध बनाम राजस्थान सरकार का केस यहाँ पे महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं दोस्तों, कई दोस्तों के कमेंट आए कि सर सुभाष चंद्र रोध बनाम राजस्थान सरकार का जो केस है वो 495 नंबर पे लिस्ट है, तो क्या नंबर आ जाएगा? या दोस्तों, आप जरा भी चिंता नहीं करें, क्योंकि जहां से नर्सिंग भर्ती के केस चालू होंगे उनका एक साथ में ही यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज इन दोनों केसेस जो फिजिकल हैंडीकैप है और सुभाष चंद्र रोध बनाम राजस्थान सरकार का जो केस है उन पे आज फैसला आ जाएगा, और जो है जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर स्टे यहाँ पे हट जाएगा। तो दोस्तों, आपको जरा भी चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पल पल की अपडेट आपकी राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूले, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।